तो भाई वर्ल्ड कप के बचे हैं मैच चार, अब मामला आर या पार। दो सेमीफाइनल एक ही दिन। पहला सेमीफाइनल किसके बीच है? साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच। कौन सी अफगानिस्तान? जिसने न्यूजीलैंड को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और मच नीडेड मैच में बांग्लादेश को भी हराया। और साउथ अफ्रीका, इस टूर्नामेंट में भारत और साउथ अफ्रीका दो ही ऐसी टीम है जो एक भी मैच हारी नहीं है, मतलब वो अजेय रथ पर सवार हैं। अब इस मैच में क्या होगा, ये कहानी में क्या है, बहुत बड़े बड़े चित्रकार हैं। क्या करेंगे चित्रकार, उनकी बात करेंगे। उसके अलावा फैंटेसी टीम क्या होगी, उस पर चर्चा होगी। प्लेइंग 11 से लेके बाकी सारी बातें होंगी। सबसे पहले बात करता हूँ ग्राउंड की। ट्रिनिडाड में ये मैच है। अब ट्रिनिडाड में जो अभी तक रहे हैं यहाँ, जिस तरीके के मैचेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर की चलेगी। जैसा कि लो एंड स्लो पिचेज हमने वेस्ट इंडीज में देखी है, सेंट विंसेंट में अफगानिस्तान ने अपने दोनों मैच जीते स्पिन के दम पे, तो वैसी कहानी नहीं है। यहाँ आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। अब जब अच्छा खेलना पड़ेगा तो अच्छा से मेरा मतलब है कि बैटिंग में अपना गेम अपलिफ्ट करना होगा, खासकर किसको, अफगानिस्तान को। इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी फॉर्म में है, लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू है। और जो पीछे तीन चार पाँच छः सात पे हैं, एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें भी दिक्कत क्या है कि स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो प्लेइंग इलेवन में जहां तक बात है, कोई बदलाव मुझे होता दिख नहीं रहा, ना अफगानिस्तान के और ना ही साउथ अफ्रीका के। रिजा हेंड्रिक्स के साथ जाएंगे। एक बदलाव अगर कर रहे हैं ये साउथ अफ्रीका वाले पिचेस के हिसाब से, तो कर सकते हैं क्या कि ओले बार्टमान को खिला सकते हैं किसकी जगह, आपका तबरेज शमसी की जगह। बाकी कोई बदलाव साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में मुझे होता नहीं दिखाई दे रहा। जहां तक अब हम चले फैंटेसी की तरफ, तो मैं विजन इलेवन पे खेलता हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया गिव अवेज आ रहे हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइसिंग आ रही है। 30 लाख फर्स्ट प्राइस है इस वाले मैच में। मौका देखकर चौका मार दो फटाफट, क्या करो, पैसा कमाओ, मौज उड़ाओ भाई, जीतो। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम पर भी क्या कर लेना, मेरा चैनल ज्वाइन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और आगे चल के बात करते हैं फैंटेसी टीम की। तो देखो फैंटेसी टीम क्या बनेगी। विकेट कीपर में डिकॉक हैं, क्लासन हैं, कुरवाज हैं, और मेरे ख्याल में आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग में हेल्प थोड़ी रहेगी, बैटर्स के लिए थोड़ा यहाँ पे कुछ है, तो फिर तीनों की आपको जरूरत पड़ेगी। आगे चलो बैटर्स में। बैटर्स में जितनी भी चॉइसेस है सब आउट ऑफ फॉर्म है, केवल इब्राहिम जादरान इन फॉर्म है, उनको लीजिए, बाकी आगे बढ़िए। ऑलराउंडर्स में आपको कौन चाहिए मैं बता देता हूँ फटाफट से। ओ, जिस फोन में मैंने टीम बनाई हुई है उसी में मैंने कर रखा है क्या कैमरा, कोई बात नहीं। खैर हाँ, तो मुझे टीम याद है। बॉलर्स पे आ जाता हूँ मैं, फिर मुझे याद आ जाएंगे। बॉलर्स मैंने कौन कौन लिए, राशिद खान लिए हैं, लिए नवीन उलग फजल उपकार की, उसके अलावा वहाँ लिए मैंने आपका क्या नाम है इसका, रवाडा, नॉर्किया और मार्को यानसन, और 11वें प्लेयर है गुलबदीन देव। ऐसे करके 11 प्लेयर बने इस टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन की जहां तक बात है, तो कैप्टन बना के जा रहा हूँ मैं राशिद खान को, और वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूँ एनरिक नौरखिया को। राशिद इसलिए कि उनके पास बैट से एज है, प्लस वो विकेट लेने के लिए पिचेस की मोहताज नहीं है, अच्छा काम करके आपको दे सकते हैं। तो ये बन गई आपकी फैंटेसी टीम। मात्र 3.5 मिनट का एनालिसिस आपका हो गया। इंडिया इंग्लैंड का वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने की संभावना है, क्या हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।